टीकमगढ़ जिले के पलेरा ब्लॉक के लहार गांव के आदिवासी विकास से मीलों दूर है। यहां के दो पूर्वे पथरीगढ़ और चंडीगढ़ में लोग लकड़ियां बेचकर पेट पालते हैं। राशन, रोजगार, सड़क, मिड डे मील, लोगों को कुछ नहीं मिलता है। क्या काम करते हैं जी? लकड़ी मकड़ी को काम करते। कितने दूर से लकड़ी लाते? लकड़ी लाते हैं वो कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर से। क्या क्या परेशानी होती है लकड़ी लाने में? अब लकड़ी लाने में कहीं रास्ता नहीं है, गिलाए में आते हैं गपते हुए हम लोग। कहाँ जाती लकड़ी बेचने? कितने की बिक जाती है अम्मा? 30-40 रुपए जाती। लकड़ियों में हो जाता आपका? अब लकड़ियों में खैत रहत गुजारा, क्या करें। एक टाइम खाने पीना की हो पाती है, आ गए आटा ले आती हूँ तो सब्जी नहीं है, वो सब्जी ले आते हैं तो आटा नहीं है। क्या क्या दिक्कत है आपको? अब सब है दिक्कत, कहाँ है कुछ नहीं है, ना जमीन जगह है, ना मजदूरी जगह है, सब खेती पानी कहाँ है कुछ नहीं। तो कैसे घर का गुजारा होता? अरे अब मजदूरी कहते हैं कहाँ है। अब जी का घर मकान है कच्चे, और बाली बच्चे ने खा भी नहीं मिल रहा, पेट है और ना कपड़ा नहीं मिल रहा, और जो का नलका मलका कछु है ना नगड़ी बेच के पेट पाल रहा है। पानी की परेशानी है, दूसरों के कुआ से जाते हैं पानी को तो वे मना करते हैं, ना हेड पंप यहाँ ना कुआ कुछ नहीं है। वैसे यहाँ कितने मकान होंगे? यहाँ होंगे वही 70-80 मकान। कहाँ से पानी भरने जाती? कुआ से। हेड पंप नहीं है? नहीं, दूसरे के कुआ पे जा रहे हैं। इधर कोई हेड पंप नहीं है? हाँ, तो कोई साधन नहीं। अभी पानी कहाँ से लेने जाते? कुआ से भाई, जाते पानी नहीं। कितने दूर है? दूर है वो कहाँ है? आपका जॉब कार्ड है? हाँ, वो कार्ड भी है लेकिन मजबूत लगते ही नहीं तो पास से काम। तो प्रधान काम नहीं देते? वो काम नहीं देते। जॉब कार्ड है आपके पास? जॉब कार्ड है। काम मिलता है उस पर? कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं। कभी मांगा प्रधान से? मैंने मांगा, कभी मिलते ही नहीं है काम। क्या कहो, क्या बोलते प्रधान? कहते हमारे काम पास है, ये आती नहीं है काम, और काम मिलता है तो भी अपनी मन की लेवर लगा लेते हैं जिससे अपन। परेशानी तो सब है, कार्ड नहीं है, ना पर्ची, कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, कोई साधन भी नहीं। अब जी देख रहे हैं आप, पन्नी डाल रहे हैं, टपरियों में रह रहे हैं हम लोग। एक मकान गिर रहे हैं और रास्ता खराब है, और रास्ता निकलने में कई परेशानी आती है, रोड की समस्या है, निकल नहीं पाते करते हैं तो गिर जाती है। यहाँ पानी की परेशानी है, पर कुछ भी नहीं है, सरकारी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, खाली स्कूल भी है तो मास्टर लोग आने जाने में उनको भी दिक्कत होती है, भी नहीं निकल पाते हैं। ना स्कूल है यहाँ पे, कुछ नहीं है, बच्चे ही नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। वैसा होती तो बैठवे के साधन नहीं है कुछ, बैठवे का साधन नहीं, मास्टर आते हैं बच्चों के पास पढ़ाते हैं तो बच्चे जाते नहीं है, स्कूल नहीं है तो बहुत दूर स्कूल है, इसलिए तो हम जाते नहीं है। आपका मन नहीं होता स्कूल जाने का? हमारा मन तो होता है लेकिन इतने दूर कैसे जाए हम। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो हैं कम से कम 70-80 बच्चे होंगे। और सिर्फ 10 बच्चों का खाना आता? 10-15 बच्चों को खाना आता है बस। गर्भवती हैं तो उनको कुछ नहीं, उसको उनको भी कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, ना कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, कुछ नहीं आता। और जो पंजीरी की पैकेट मिलते कोई नहीं मिलता है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं पता। 4-5 साल से बंद हो गया। आपका राशन कार्ड बना है? नहीं बना है। क्यों? कोई सुनाई नहीं जाते हैं तो भी कहते हैं कि आज निकल बनाए, कल ऐसी ऐसी टेल आती जाती है। कोई राशन कार्ड नहीं है हमारा, शुरू ही से अभी तक नहीं है, कम से कम 48 की उम्र हो गई हमारी। आप गए नहीं हो प्रधान? हाँ गए हैं, प्रधान के पास भी गए, सबके पास गए, वो कहते हैं बन जाएंगे, फिर कोई नहीं बनाता है। 5,000 रुपये मंगाते हैं कार्ड की, अभी गए थे हम तो वो बोले 5,000 में बनेगा कार्ड, 5,000 दो तो कहाँ से दे, हम लोग खाने के लिए है नहीं है, 5,000 कहाँ से दे दे। राशन कार्ड नहीं है, काव की नहीं है। सूखा राहत के पैसे मिले? नहीं मिले। गए हो आप? गए है गए। यहाँ कोई आप लोग देखने नहीं आता? कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। आपके प्रधान? प्रधान भी नहीं आते हैं कभी? नहीं कभी नहीं। मैडम अपन वहाँ काम भी करवाए थे, 3 कुआ हो गए, अब बरसात की वजह से काम बंद है, वहाँ रोड भी सूख गए थे, रोड का काम अक्टूबर से चालू होगा। अक्टूबर? और जैसे वहाँ बच्चों को ले पढ़ाई लिखाई के बारे में, जैसे जहाँ पहले बसी गई थी वहाँ से वो लोग भाग गए हैं, जहाँ बिल्डिंग थी स्कूल की, अभी दूसरी जगह बस गए, वहाँ बिल्डिंग भी नहीं है, बच्चे खुले में पढ़ते हैं। वहाँ की जो गर्भवती हैं तो उनको ना कोई पंजीरी? हाँ वहाँ की आशा है, यहाँ की एक राय है,
वो जाती होगी वहाँ नहीं देती, लेकिन वहाँ के बच्चों को भी नहीं मिलता ना गर्भवतियों को, ना बच्चों को रोज स्कूल में खाना पहुँच पाता। खाना पहुँच गया समूर में, समूर है टानगा के पास। हमने आदिवासियों से चर्चा कही थी आज से 15 दिन पहले कि आप अपना समूह बना लो, ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपका मिल जाएगा मध्याह्न भोजन। सो आप यहीं रहती हो, यहीं बनाओ, यहीं बच्चों को दे। हाँ उन्होंने बताया था कि हमारी यहीं पर आंगनबाड़ी, तो कहते यहाँ देते नहीं है आंगनबाड़ी। नहीं आंगनबाड़ी के पास नहीं है, स्कूल का खाना है समूह के पास। और उन लोगों ने ये भी बताया कि उनके राशन कार्ड भी नहीं है। नहीं उनके राशन कार्ड है, सबको हर जन आदिवासी की पहचान देगी, सबको कुछ मिलती है।